हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। हमने लास्ट दो लेक्चर्स में कोडिंग डिकोडिंग कवर किया है, जो भी उसके टाइप्स हैं सारा मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है जी, कुछ चार पांच क्वेश्चंस बचे थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो वो हम क्लास के एंड में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज क्या है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर पहले ईयर्स में, पहले सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, यूजीसी पेपर वन में वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइप्स, जो ज़्यादा टाइप्स देखने को मिली, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने दो क्लासेस में आपको करवाया है, तो आपका वो सारा कवर हो गया है जी, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि हमारा कुछ रह गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो हम आज करेंगे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन यूजीसी पेपर वन। साथ में जिस जिस क्वेश्चन का मैंने, काफ़ी क्वेश्चंस का ईयर भी मेंशन कर दिया कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर देखने को मिला कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, वो ही आपको एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे ही रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। देखो, अगर आपने वो रूल्स सीख लिए जो मैंने आपको दो क्लासेस में करवाए हैं, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ आ गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़े ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने प्लेस वैल्यूज बोली हैं, वो आपने याद कर लेनी है। अगर आप नहीं याद कर सकते, नहीं आपको याद हो रही, तो फिर फटाफट वहाँ पे ए टू जेड आप लिख लेना, फिर इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, करें आज का क्वेश्चन स्टार्ट। आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इन अ सर्टन कोड, किसी कोड में मथुरा इज कोडेड एज, मथुरा का कोड दिया हुआ है JXQERO X, द कोड ऑफ होटल्स विल बी। ठीक है, ये 2015 में, इसलिए लिखा कि ये 2015 में आया था। ठीक है, मथुरा का कोड गिवन है, सेम हम मथुरा लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, मथुरा लिखने के बाद इसका कोड लिख देंगे JXQERO X। ठीक है, देन आपको कोड किसका फाइंड आउट करना है, आपको कोड फाइंड आउट करना है जी होटल्स का। ठीक है जी, तो अब देखिए क्या रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। सबसे पहले तो आप वही एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, ये तो वैसे बिल्कुल सिंपल ही पता चल रहा है। देखो M, इसमें बैक जाना है, दो अल्फ़ाबेट्स छोड़े G आ गया। ठीक है, A बैक गए, दो अल्फ़ाबेट्स छोड़े X आ गया। फिर ये ना सारा चेक करना होता है, ऐसे नहीं है कि आपने फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट्स को देख लिया या फर्स्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स को देख लिया और आपने सारा एज इट इज़ ही क्वेश्चन करके आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, एग्जामिनर भी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, वो भी दो तीन तरह, जैसे कि पहले तीन का देखा हमने कि ये बैक ही जा रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगला तीन फॉरवर्ड काउंट में हो। ठीक है, तो आपको सारे अल्फाबेट्स फटाफट चेक कर लेने हैं। ठीक है, एग्जामिनर दोनों तरीकों से आपको देगा, एक तो ट्रू आंसर जो होगा, जो सही आंसर होगा वो भी दिया होगा, जो हम सोच सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये तीन बैक जा रहे हैं तो आगे भी बैक में ही जाएगा, तो वैसा भी आपको आंसर गिवन होएगा। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फटाफट देख लेना कि बैक ही जा रहा है ना सारा, एच से ई आया, यू से आर, है ना, ये देखो यू से आर दो बैक गया, फिर आर से ओ ये भी, फिर हाँ बैक ही जा रहा है, तो फटाफट ये भी कर देंगे। एच एक दो छोड़ के क्या आ जाएगा जी, एक दो छोड़ के क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, फिर ओ है, ओ देखो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई एल, ये दो ऑप्शंस बन रहे हैं आपके। ठीक है, फिर आगे देखेंगे टी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे और तो कोई है ही नहीं, ई एल क्यू यहीं पे है, तो यही वाला आंसर आपका होएगा। फिर भी अगर आपको और चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो, ई दो पीछे जाएंगे बी आ जाएगा, फिर एल दो पीछे जाएंगे आई आ जाएगा, फिर एस फिर पी आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे आप जैसे हमने देख लिया था, पहले हमने दो ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये ई एल वाला ही होएगा, फिर क्यू और आई, और तो कहीं भी नहीं है, तो आंसर तो यही बनेगा ना, तो आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है जी, आगे चलें। आइए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज सिलेक्शन इज कोडेड एज, करो प्रैक्टिस करो फटाफट।
आपकी बस एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी, क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट्स आप लाइक और कमेंट तो करो ना, मुझे आइडिया तो होना कि आपको समझ आ रहा है, आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। ठीक है, आप ना तो कुछ लाइक कर रहे हो ना कोई कमेंट कर रहे हो, बस देख के क्लास को आप छोड़ी जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा बच्चा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखिए, इन अ सर्टन कोड सिलेक्शन, ठीक है, ये 2016 में आया हुआ है। इन अ सर्टन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज QCJCARGML। ठीक है, तो अमेरिकन का आपको कोड बताना है, क्लियर है। अब देखिए S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19, और इसकी क्या होती है, 17। ठीक है, प्लेस वैल्यू से देख के करने, प्लेस वैल्यू से देख के कर लो, वैसे तो आपको लिखते ही पता चल गया होएगा क्या हो रहा है जी, एक एक बैक में जा रहा है ये भी, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको, कुछ भी मुश्किल नहीं आया हुआ, मैंने काफ़ी एनालाइज किया है, सारे एग्जाम्स में एनालाइज करके आई हूँ, ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने तो आपको काफ़ी डेप्थ में करवाया है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन हैं वो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में। ठीक है, ये देखो S है, एक छोड़ के Q आ गया, फिर E है, एक छोड़ के C आ गया, सारा फटाफट देख लो कि बैक ही जा रहे हैं ना। हाँ जी, C से A, T से R, ठीक है जी, I से G, ठीक है, O से M एंड M से L, ठीक है जी, फटाफट हमने चेक कर लिया। वाई वाई वाला ऑप्शन आएगा, ये तो पता चल गया, दो ऑप्शन है वाई वाई वाला। M के बाद क्या आएगा, K आएगा, ठीक है, Y K। अब देखो Y K वाले हमारे कितने हैं, Y K वाला सिर्फ एक ही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर ही वाई के से शुरू हो रहा है, तो वाई के वाला एक ही है, तो हम आगे क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, देखिए, इफ़ ए इज़ कोडेड एज सी, अगर ए को कोड किया गया सी से, एम को आई, एम से एन एस पी, एस एस ओ, आई एस ए, P as N, E as M, O as E and C as S, then the code of companies will be, then the code of companies will be, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर ही आपको कोड गिवन है। ठीक है, C का क्या कोड दिया है, S दिया है। ठीक है, S वाले तीन ऑप्शन हैं, चलो जी फिर आगे देख लेते हैं। O को क्या कोड किया, ये बड़ा ही ना, वहाँ एग्जाम में स्टूडेंट इतने प्रेशर में होते हैं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही गलत कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गलत करने वाली कोई भी बात नहीं है, थोड़ा कूल होके एग्जाम में बैठना। ठीक है, ओ को ई से कोड किया है। अब एस सी वाला देख लो, ये तो एस पी है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एस सी वाला डी बन रहा है, तो आपका आंसर आ गया डी, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर आप पूरा देखोगे फिर देखो सेम आएगा, एम एज आई, पी, पी एज एन, ए, ए इज कोडेड एज सी, एन, एन एज पी, I as A, E as M, S as O, देखो बन गया S E I N C P A M O, क्लियर है जी, क्लियर है, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, राइट, ये भी 2018-19 में ही आया होगा। ठीक है, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, अगर पानी को फूड बोला जाता है, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज फ्रूट, फ्रूट को कौन ग्रो करता है, ठीक है, पानी, फूड, ट्री या अर्थ, कौन ग्रो करता है जी फ्रूट को, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज फ्रूट, हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, ट्री ग्रो करेगा, ट्री ग्रो करेगा ना, तो ट्री को क्या बोला गया है, ट्री को बोला गया है अर्थ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, हमने किया हुआ था ये भी, हमने सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने, टी क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, नेक्स्ट आ जाइए, अरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल वर्ड, इन अ मीनिंगफुल वर्ड, अरेंज द वर्ड, जो ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इन्हें मीनिंगफुल वर्ड में आपको अरेंज करना है। अगर आपको ऐसे ही पता चल रहा है, ये पांच ही अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि चलो
अगर नहीं पता चल रहा तो पहले हम वो बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है? नहीं पता चल रहा तो ऐसे सीक्वेंस में अल्फाबेट्स को लिखना शुरू कर दो। फाइव दिए एस, फिर एच, ठीक है, फिर ए दिए, फिर वन आर, फिर के। ये तो फर्स्ट ही बन गया शार्क, ठीक है। अगर आपको सेकंड हम ट्राई करते क्या दिया हुआ है, एस, फिर वन पे आर, ठीक है, फिर टू पे ए, थ्री पे के एच। ये तो कोई वर्ड नहीं बना, नहीं बना ना। ऐसे ही आप आगे करके देखिए जी, फाइव एस दिए, फिर थ्री के, टू ए, वन आर, एंड ये भी कोई वर्ड नहीं बना, ठीक है। फिर फाइव एस, थ्री के, वन आर, ए एंड एच, ये भी कोई वर्ड नहीं बना। क्या बन गया जी, शार्क बन गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये शार्क बन जाएगा तो फिर आप शार्क बना लीजिए और नीचे नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे नंबरिंग कर लो और नंबर ढूंढ के आप मार्क कर दो, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा कि कौन सा वर्ड बन रहा है तो आप ऐसे नंबर से देख देख के कर लो। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आइए, बिलो इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये आपको वही दी हुई है, फिक्टियस कोडिंग जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। क्या दिया हुआ है जी, कोडेड एज ऑल बॉयज आर क्लेवर, डू गो हैव बेस्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर लेजी, आर सम स्टूडेंट्स नाइस, ठीक है, आर सम स्टूडेंट नाइस। अब आपको ऐसा दिया हुआ है और किसका कोड पूछ लिया जी, नाइस का कोड आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाइस तो ये रहा, अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, आर सबसे पहले आर देखते हैं, नाइस तो कहीं भी नहीं है तो इसके साथ वाले वर्ड्स को हम देखेंगे। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब तीनों में कॉमन देखेंगे, फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में। क्यों, तीनों में क्यों कॉमन देखेंगे, क्योंकि इस साइड ही आर है, ठीक है, इस तीनों लाइंस में ही आर है, तो इधर भी हम तीनों लाइंस में ही देखेंगे। चेक करो क्या चीज कॉमन है जी, पहले इन दो में देख लें क्या आ रहा है, देखो टी एल बी कॉमन आ रहा है यहाँ तो, ठीक है, टी एल बी कॉमन आ रहा है और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आया ना। यहाँ पे देखो यू निक ट्री एंड एस क्यू ओ, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे एस क्यू है, यहाँ पे एस क्यू है, एस जी ओ है, ये तो नहीं बना, ठीक है। चलो सम तो कहीं नहीं पता चल रहा, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स अगर कट करते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, टी एल बी और टी एल बी, लेकिन ये तो काफ़ी कुछ बच गया, ठीक है, काफ़ी कुछ बच गया, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटर्मिंड, हम कोड पता ही नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आपसे स्टूडेंट्स का पूछ लेते व्हाट इज द कोड फॉर स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या आ जाता, टी एल बी, स्टूडेंट्स का हमें पता चल रहा है, ठीक है। अगर ऑल का पूछ लेते, ऑल एंड ऑल, देखो कुछ कॉमन है नहीं जी, कुछ कॉमन ये है एन आई क्यू, देखो, ठीक है, ऑल का पूछ लेते तो एन आई क्यू आ जाता, ठीक है। स्टूडेंट्स का भी हमने फाइंड कर लिया, आर का हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये तीनों में कोई एक वर्ड कॉमन ही नहीं है, ठीक है। सम का भी नहीं पता कर पाएंगे, ऐसे ही नाइस का भी हम पता नहीं कर पाए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा जी, कांट बी डिटर्मिंड, हम पता नहीं कर पाए, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज थी। चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज साहित्य इज कोडेड एज, कैसे कोड किया गया, 22, 9, 10, 21, 26 and 2। उसके बाद अब जिन्होंने प्लेस वैल्यूज याद कर ली हैं वो तो लिखते ही बता देंगे कि इस पे क्या रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, जिन्होंने नहीं लर्न की वो फिर सोचेंगे, ठीक है, कि क्या रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो जी, 19 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 आ गया, एक होती है प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 8 होती है 9, 9 का 10 बन गया, +1 +1 हो रहा है 20, 25 and 1, सेम इसी में हो रहा है 6, 15 and 3 and 21 and 19,
सेम प्लस वन हो रहा है, तो यहाँ भी हम प्लस वन ही करेंगे। जे का क्या है 10, 5, 1, 14 एंड 19, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ई एफ ए बी एन ओ एस टी। ठीक है, अब इन्होंने हमने क्या लिखना है जी, अल्फाबेट्स लिखने हैं, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, डायरेक्ट ही आप कर देते 11, 6, 2, 15 और 20, 11, 6, 2, 15 और 20, 11, 6, 2, 15 और 20, क्लियर है? ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी वे से क्वेश्चन को कर सकते हो, जिस वे में आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, आप उस वे में अपने क्वेश्चन को कर दीजिए। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर आप कर रहे हो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कोडिंग डिकोडिंग का, आप वो भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, इन अ सर्टन कोड बैट इक्वल्स टू 23, कैट इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो बोल आप बताइए जी क्या कोड होएगा। ये मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, ठीक है, मेरे जो नोट्स थे उनमें से मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ये सेम क्वेश्चन देखो 25 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, मे बी 2019 या 18 का होगा ये भी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बताया था प्लेस वैल्यूज लिखेंगे 2, 1, 20, उसी के बाद हम देख सकते हैं ना एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीज़न हो रहा है, उसी के बाद हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें देखो 23 बना, 21 और 2, प्लस प्लस हुआ 20 प्लस 1 21 प्लस 2 23। ठीक है, यहाँ पे 3, 1 और 20, 20 प्लस 1 21 प्लस 3 24। ठीक है, B2A1L12L12। ठीक है, 12, 12, 24, 25, 26, 27, आंसर क्या आ गया जी आपका 27। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलें आगे। आइए अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ था मैंने आपको एक, ये 26 जून मॉर्निंग शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि जो रीजन है उसे हमने कोड कर दिया 5 और जो गवर्नमेंट है उसे हमने कोड कर दिया 9। ठीक है, आपको कोड बताना है जी एक्सीडेंट का, आपको कोड बताना है किसका, एक्सीडेंट का। ठीक है, अब आप प्लेस वैल्यूज तो लिख के क्या ही करोगे, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यूज लिखोगे ना, तो एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बोर्ड मास लगा के इतनी छोटी वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप काउंट कर लो रीजन के कितने अल्फाबेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 माइनस 1, 5 कर सकते हैं। आगे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, 10 माइनस 1, 9 आ क्या। ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 माइनस 1 आंसर क्या जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूल इम्प्लीमेंट हुआ, इन्होंने जी आपका नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करके उसमें से माइनस वन कर दिया, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को काउंट किया फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ये 4 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जी, इन अ सर्टन लैंग्वेज ए आई ई, ये सारे वोवल्स दे रखे हैं जी, ए ई आई ओ यू इज रिटन एज टी एन एच डी जेड यूजिंग द कोड लैंग्वेज, बताइए क्या आएगा, बताइए जी क्या आएगा। ऐसे देख सकते हैं, आसपास वाले ढूंढ लिया करो। अब ए और टी में तो काफी डिफरेंस है, ई और एन में भी काफी डिफरेंस है, आसपास देख लो, यू है ना, यू के बाद टी आता है, ओ के बाद एन, यू से पहले सॉरी टी आता है, ओ से पहले एन आता है, आई से पहले एच आता है, ई से पहले डी, ए से पहले जेड, ऐसे ही वी से पहले क्या आएगा, यू आएगा, जे से पहले क्या आएगा, आई आएगा। अब आप पहले ही चेक कर लो कि यू वाले कितने ऑप्शन हैं, एक ही है जी, सीधा ही मार्क कर दो, फिर भी अगर चेक करना है तो कर सकते हो, पी से पहले ओ आएगा, एफ से पहले ई, बी से पहले ए, तो आंसर क्या आ गया, यू आई ओ ई ए। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या करना है, आपको बस क्लियरली जो दो वीडियोस पहले मैंने आपको करवाई हैं, जिस सारे रूल्स आपको बताए हैं, वो बड़े ही ध्यान से कर लेने हैं। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बड़े इजीली एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इन्होंने क्या बोला, इफ मशीन इज कोडेड एज, मशीन का कोड गिवन है जी, मशीन का क्या कोड गिवन है, ठीक है, उसके बाद देन डेंजर विल बी कोडेड एज, मशीन का कोड गिवन है, उसके बाद इन्होंने बोला कि डेंजर का कोड क्या होएगा। मशीन का कोड लिखिए पहले, क्या दिया हुआ है, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। किसका कोड फाइंड आउट करना है, डेंजर का, ठीक है। प्लेस वैल्यूज लिख लो डायरेक्ट, 1, 3, 8, 9, 14, 5। एम नीडल हो गया, ए की हमें पता ही है, सी की हमें पता है, हेट 8 हो गया, आई 9, ठीक है, 13, 14, एन ई एजोटी में आ गया 5। अब अगर हम देखें, यहाँ पे 19 बना ना, यहाँ पे क्या बना, 7 बना, यहाँ पे 9 बना 3 से, फिर 8 से 14 बना, 9 से 15 बना, 14 से 20। अंडरस्टूड है कि +6 +6 हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी में +6 +6 हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे सेम यहाँ कर देंगे, 4, 1, 14, 7, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 5 राइट टू वोट, ठीक है, 18 आ गया। +6 करेंगे, 10 आ गया, 10 वाला देख लो एक ही ऑप्शन है बच्चा, फिर भी चेक करना चाहते हो, 7 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा और फिर 24 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 10, 7, 20, 13, 11 और 24। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को वहाँ पे क्या करके बैठना है, एक्टिवेट करके बैठना है, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा क्या करना है, एक्टिवेट करके बैठना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, इफ द वर्ड कम इज कोडेड एज XLNV इन अ कोड लैंग्वेज, द वर्ड कोडेड एज, ठीक है। अब आपको कोड गिवन है, अब आपको क्या गिवन है, कोड गिवन है, आपको वर्ड पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इफ द वर्ड कम, अगर वर्ड कम कोड हो रहा है XLNV, ठीक है, XLNV इन अ कोड लैंग्वेज, तो जो वर्ड है कोडेड एज, द वर्ड कोडेड एज WZGV, ठीक है, वो आपको बताना है। अगर आपने पहली दो वीडियोस बड़े ही ध्यान से देखी होंगी, आप जैसे ही लिखोगे आपको समझ आ जाएगा, कोरेक्स कब सिर्फ बताया था, लव मतलब अगर इसकी प्लेस वैल्यू राइट हैंड से या फॉरवर्ड काउंट से 3 है, तो बैकवर्ड काउंट और राइट हैंड से इसकी प्लेस वैल्यू 3 है। ये लेफ्ट था हमारा, लेफ्ट हैंड से पोजीशन या फॉरवर्ड काउंट आप बोल सकते हो, ये राइट हैंड या फिर बैकवर्ड काउंट आप बोल सकते हो, ठीक है। मैंने उसकी कुछ ट्रिक्स बताई थी, जैसे इसका बनता है कोरेक्स, लव, मैन और इवनिंग, तो W का क्या बन रहा था, दूध वाला, ठीक है, Z का क्या बन रहा था, आज़ाद, G का क्या बन रहा था, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, V का क्या बन रहा था इवनिंग, तो आंसर क्या आ गया, डेट। हमें देखो 4 के 4 अल्फाबेट्स ही फाइंड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ DAT दो ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमें 4th भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका आएगा, ठीक है, कि कौन सा आपका आंसर में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट, ये क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आई थी, आपको पता चल ही गया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर में जाओगे, ठीक है, जो मैं आपको टीच कर रही हूँ वो बड़े ही ध्यान से आपने करते जाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम चलते हैं जो कुछ हमारा पेंडिंग रह गया था, ठीक है, कुछ हमारा पोर्शन पेंडिंग रह गया था, पेंडिंग मतलब मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी अब हम बात करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन बच्चा, ये क्वेश्चन मैं आपको कल होमवर्क देके गई थी, राइट, यहाँ तक हमारा हो गया था, उसके बाद ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे।
सही बोल रही हूँ ना? देखिए जी, इफ एफ इक्वल्स टू 26, सॉरी इफ ए इक्वल्स टू 26, सन इक्वल्स टू देन कैट, ऐसे क्वेश्चन अब आपने देख लिए कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 26, ठीक है। ए 26 कब होएगा? जब हम उसे राइट हैंड से चेक करेंगे, जब हम उसे राइट हैंड से चेक करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, हमने जो वैल्यूज हैं वो राइट हैंड से चेक करनी है। एस यू एन 27 आई, ठीक है। एस की वैल्यू 19 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, एन की 14 होती है। ये कहाँ से होती हैं जी? ये होती हैं लेफ्ट हैंड से। हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए? राइट हैंड से वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड से कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस वन इक्वल्स टू टोटल, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेफ्ट रैंक क्या है? लेफ्ट रैंक है 19, राइट रैंक आपको फाइंड आउट करना है माइनस वन इक्वल्स टू 26, ठीक है। राइट रैंक इक्वल्स टू 26 माइनस 18, तो आंसर क्या आ जाएगा? 26 में से 18 गए, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, 8, ठीक है। या आप डायरेक्टली 27 माइनस 21 करोगे, अब देखो 6 आ जाएगा। फिर 27 माइनस 14 करोगे, आप डायरेक्टली इतना बड़ा फॉर्मूला मत इम्प्लीमेंट करो, हमें बताइए कि 27 माइनस लेफ्ट रैंक कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 13, ठीक है। अब देखो अगर प्लस करोगे, 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 19, 19 प्लस 8 27, ऐसे ही आप कैट का कर दोगे, ठीक है। 27 माइनस 3 कितना होगा? 24 प्लस 26, और 27 माइनस ये हो गया 10 और 17 और 57, क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था लास्ट क्लास में, आई होप आपने कर लिया होगा। ये सेम क्वेश्चन मैं करवा ही चुकी हूँ जी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, वैल्यूज लिख के उसमें एडिशन, प्रीवियस ईयर में ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे तो ये हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, गो 32 शी 49 देन सम। अब गो का 32 है, शी का 49 है, ठीक है। तो आपको सम का बता दें, गो की वैल्यू लिख लें, जी कितना होता है? 7, ओ कितना होता है? हाँ जी, ओ कितना होता है? 15, ठीक है, ये आ गया। अब शी कितना है? 49 दिया हुआ है, ठीक है। सम आपको बताना है, सम आपको बताना है। एस का क्या है? एस का क्या, एस की प्लेस वैल्यू 19, 8 और 5, 19, 8 और 5। अब अगर हम प्लस करके देखें, 15 प्लस 7 ये तो नहीं बना, एक बार हम बैक से भी देख लें। 27 माइनस 7 क्या आ गया? 20 आ गया। 27 माइनस 15 क्या आ गया? 27 माइनस 15 क्या आ गया? 2 एंड 12, ये बन गया ना 32। मतलब बैक से काउंट करके इन्होंने बताया है, बैक से काउंट करके आपको वैल्यूज को बताना है, तो आप सम का कोड फाइंड आउट कर लोगे। कर लें जी सम का कोड, 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 8 आ जाएगा, ठीक है। ओ की वैल्यू क्या है? ओ की वैल्यू है 12, ठीक है। 27 माइनस 13 आ जाएगा 14, 27 माइनस 5 आ जाएगा आपका, ई के लिए मैं देख रही हूँ 22। कर दें प्लस, 2 4 6 8, 8 8 16, 1 3 4 और 5, आंसर क्या आ गया आपका? 56, क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, ये कल वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे आपको। इफ ड्राइवर इक्वल्स टू 12, पेडिस्ट्रेन इक्वल्स टू 20, एक्सीडेंट इक्वल्स टू 16, देन कार इक्वल्स टू। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो ऐसे क्वेश्चन हैं ये आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैंने आपको करवा भी दिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अब आपको पता चल रहा है कि इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कुछ होएगा नहीं। रीजन वाला क्वेश्चन अभी करके चुके ना, रीजन गवर्नमेंट और है ना एक्सीडेंट का, तो वैसा सेम ही क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 इंटू 2 कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 2 कर सकते हैं तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 है तो
16 आ जाएगा, 3 है, 3 और 2 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 6 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हो। स्टूडेंट्स आपको वो ही पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाला है, ठीक है जी। कुछ भी आपको आउट ऑफ कोर्स में नहीं टीच किया जाएगा, सारी क्लासेस आपको सीरियसली अटेंड करनी है, ठीक है। आपने नोट्स बना लेने हैं, जो नहीं समझ आएगा मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमने ये भी पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके आंसर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, कल हम मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। आज तक का जो हमारा था वो कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हमने कर लिया है, ठीक है जी। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स।